वंदे मेथादम वंदे मातरम, इतना सहज कैसे कर दिया आपने गांधी को? मैं बहुत सहजता से नहीं आया, उसमें दिक्कत क्या हुई। ब्रीफ था कुछ उसके लिए? नहीं, ब्रीफ डेफिनेटली था। देखिए मुन्ना भाई की फिल्म बन रही थी, लगे रहो मुन्ना भाई नाम था उसका, और उसमें ये था कि गांधी पे गीत होना चाहिए, लेकिन मुन्ना भाई की तरह से होना चाहिए। अच्छा, तो मुन्ना भाई की जबान थी, बोले तो कैसी होगी, हाँ ऐसी है वैसी है, आप उनको खोपड़ी के खोपचे में खलबली मचाए टाइप की जबान पे हम चल रहे थे, और हमें बार बार और लेकिन ये था कि गाना बनाना है लेकिन गांधी का हो। और दूसरा डर था, बहुत बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि हमारा देश इतना सेंसिटिव देश है कि कब किस वक्त किस चीज़ पे आपको आपत्ति हो जाए, ये भी बड़ा डर लगता है। गांधी बहुत बड़ा सेंटिमेंट है, अरे आप खड़े हैं। तो मैंने कोशिश करनी शुरू की, बहुत दिन लगे इस लाइन तक पहुंचने में, बंदे में था दम वंदे मातरम तक पहुंचने में। बहुत चीज़ें हमने ट्राई की, अहिंसा परमो धर्म, उनमें बहुत था दम। फिर राजू ने एक राजकुमार हिरानी ने एक दिन कहा कि बंदा ये बिंदास है, ऐसा कुछ होना चाहिए, वैसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ मिलते मिलाते एक लम्हा होता है ना जो स्पार्क का, वो आया। एक ने कहा बंदे में, एक ने कहा बंदे में था दम, और वो जब बना तो फिर बस फिर हमको लगा कि हाँ हमने एक गाना लिखा है जिसमें हम बापू की बात भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और उस अंदाज में भी कर रहे हैं जिस अंदाज में मुन्ना भाई करेगा। बिल्कुल। तो उस बंदे के दम को नकारने की इधर बहुत सारी कोशिशें हो रही है। सोशल मीडिया पे गांधी वर्सेस अदर्स की एक पूरी सीरीज दिखाई देती है, और ये तो फैशनेबल ही हो गया है कि गांधी को गाली दे दो, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए साहब, ऐसा है, गांधी को गाली देने की भले ही फैशन हो, लेकिन गांधी की ज़रूरत है हार पहनाने के लिए भी, और गांधी गाली देने के लिए भी। गांधी की का होना बहुत ज़रूरी है। अगर गांधी नहीं होगा तो बहुत सारे लोग अस्तित्व ही नहीं रहेगा उनका, क्योंकि गांधी को मान के या गांधी को गाली दे के अपना अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं लोग। जी, तो गांधी के बिना कुछ नहीं है। तो मैंने एक छोटी सी चार पंक्तियाँ लिखी थी कि गांधी की तस्वीर में कोई चोरी से घुसना चाहे रहे। अरे वाह। गांधी की तस्वीर में कोई चोरी से घुसना चाहे रे, गांधी की चादर में कोई चुपके से दुबकना चाहे रे। जी, गांधी की चादर है बड़ी, सबको अपने में समाये रे, गांधी के बिन नहीं गुजारा अब किस तरह और तुम्हें समझाए रे। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो बिना गांधी के भाई साहब गुजारा नहीं है देश का, इस देश की आत्मा में बसता है गांधी, ये देश की आत्मा गांधी की। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।